वैसे तो आज का वीडियो गर्ल्स के लिए होने वाला है, बॉयज भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं शादी बारात का माहौल चल रहा है और सबको सजने संवरने का बहुत शौक होता है, खासकर जो गर्ल्स हैं उन्हें। तो गर्ल्स जो होती है ना, वो आजकल अपने बालों पे स्ट्रेटनर, कर्लिंग और क्लिंपिंग इस्तेमाल करती हैं और अपने बालों को डैशिंग बनाती हैं। तो उनके लिए आज मैं ऐसा ही एक क्लिंपर लेकर आया हूं जो आपके बालों को क्लिंप करेगा और डैशिंग बनाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में, लेट्स रोल। वेलकम बैक टू चैनल गाइज, दिस इज मी हर्षित एंड यू आर वॉचिंग द हर्षित गुप्ता व्लॉग। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आज मैं गर्ल्स के लिए लेके आया हूँ एक क्लिंपिंग मशीन और वो है ये ब्रांड है किमी की तरफ से। किमी के काफी सारे प्रोडक्ट मैं अपने चैनल पर अनबॉक्स कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ जैसा कि आप इसका एक बार फर्स्ट लुक देख सकते हैं, कितनी प्यारी ये क्लिंपिंग मशीन बनी हुई है। ये इसका है फ्रंट लुक और ये है कुछ इसका बैक लुक। सो दोस्तों, यहाँ पे किमी की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे किमी का मॉडल नंबर लिखा है। इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर दोस्तों लिखा हुआ है KM473 और नीचे लिखा है प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर। ये स्ट्रेटनर लिखा हुआ है लेकिन क्लिंपिंग मशीन है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट आते हैं स्ट्रेटनर के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। जैसे कि इसका मॉडल नंबर अभी मैंने आपसे शेयर किया है KM473। साथ ही साथ इसका जो वोल्टेज है 220 से 240 वोल्ट का है। फ्रीक्वेंसी इसकी 50-60 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। पावर जो दोस्तों है 40 वॉट की पावर जनरेट करता है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ मैं इसके कुछ फीचर्स और शेयर कर देता हूं। जैसे इसमें है 30 सेकेंड के अंदर ये आपकी फास्ट हीट करने लगेगी, मतलब आपकी रेडी हो जाएगी, आपके यूज करने लायक हो जाएगी जैसे आप इसे पावर देते हो। साथ ही 220 डिग्री सेल्सियस इसकी हीटनेस पावर है। साथ में नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है इसमें। लॉन्ग कॉर्ड इसके अंदर है और दोस्तों ये ग्राइट टेक्नोलॉजी एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी पर ये पूरी मशीन बेस्ड है। फटाफट से इसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं कुछ अपने स्टाइल में, देखते हैं अंदर कौन सा प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन उससे पहले यहां पर दो कलर वेरियंट अवेलेबल है, एक है रोज रेड और एक है व्हाइट। यहां पर साफ साफ देखिए बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर रोज रेड वाले पर टिक लगा हुआ है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है रोज रेड, जो बॉक्स ऊपर बना हुआ है, यही प्रोडक्ट हम लोग अंदर मिलने वाला है। अब हम लोग इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अंदर क्वालिटी क्या है। तो पुराने स्टाइल में दोस्तों कुछ ये प्रोडक्ट हम लोग को इसके अंदर ऐसे रखा हुआ मिलता है। मैं इसे बाहर निकालता हूं और इसके अंदर दोस्तों एक यूजर मैनुअल गाइड है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैं इसे साइड पर रख देता हूं। यूजर मैनुअल गाइड टोटली दोस्तों ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, नो डाउट। और वारंटी कार्ड दोस्तों इसके अंदर हम लोग को मिलता है और यहां पर बॉक्स ऊपर भी मेंशन किया गया है 2 ईयर वारंटी। दोस्तों 2 ईयर वारंटी इस बॉक्स के ऊपर तो लिखी हुई है, लेकिन ये देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है आपको कि नहीं देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी होती हैं जो गारंटी नहीं देती हैं। सो ये मैटर करता है उनके ऊपर। मैं आपको प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूं, मैं आपको अनबॉक्सिंग करता हूं। दोस्तों ये मेन प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ चुका है और मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूं। दोस्तों ये देखिए कितनी प्यारी मशीन है, वाओ। मैं इसका एक बार आपको फर्स्ट लुक दिखाता हूं। पहले दोस्तों ये था इसका फर्स्ट लुक और बॉडी स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हैं। यहां से ये इसकी ग्रिप है और काफी हैंडी दोस्तों है, ना ज्यादा लाइट वेट है ना ज्यादा वेटेड है, मीडियम क्वालिटी की ये क्लिंपर है। और ये जो है नैनो ग्राइट टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड है, यानी इसकी जो प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज हुआ है, काफी अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ है। और यहां पे सेरेमिक की जो अंदर प्लेट लगी हुई है, सेरेमिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके zigzag आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्लेट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जो अंदर प्लेट लगी हुई है, छोटे साइज की लगी है बड़े साइज की, देखिए सबसे बड़े साइज की इसमें प्लेट का यूज हुआ है।
और एक बार में काफी सारे बालों को एक क्रिम करेगा और काफी अच्छे से क्रिम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों पावर जो दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पर दिया गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया है। देखिए मैं पुश एंड प्ले करता हूं उसे, आप आवाज सुन सकते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है 220 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, 180 डिग्री सेल्सियस है, 160 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और यहाँ पे पावर की एक लाइट दी गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका लुक दिया हुआ है काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पर, मतलब जो इसकी फिनिशिंग दी गई है, बॉडी फिनिश पॉलिश जो है इसकी काफी अच्छी दी गई दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो वायर दिया गया है, वायर भी काफी अच्छी क्वालिटी का वायर दिया गया है, जो कि 2 पिन टॉप पर ये वायर बेस है, आप ये देख सकते हैं। और तकरीबन 2 मीटर का वायर दोस्तों इसमें दिया गया है, जो कि काफी अमूमन काफी कम मशीनों में 2 मीटर का वायर दिया जाता है। देखिए दोस्तों 2 मीटर का पूरा वायर है। अब मैं एक बार आपको ये क्रिम्पर जो है चेक करके दिखाता हूं। मैं इसे सबसे पहले पावर देता हूं दोस्तों, मैंने इसे देखिए पावर दे दिए, और यहां पर देखिए एक रेड लाइट पावर की जगह है, ये दोनों लाइट जल चुकी हैं। ये देखिए आपका टेम्परेचर लाइट लगी हुई है यहां पर, ये देखिए यहां पे मैं एडजस्ट कर रहा हूं बटन दबा के, तो एडजस्ट हो रही है, ठीक है। और ये हीट करना भी दोस्तों शुरू करती है, और काफी अच्छी इसमें हीटनेस आ गई है दोस्तों। यहां पर हमने एक विग को अरेंज किया है आपको चेक कराने के लिए, ये विग है, मैं पूरी नहीं करूंगा, यहां पे मैंने एक स्टेप ले लिया है बालों की, और इसको मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से स्ट्रेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसे 220 टेम्परेचर पर एडजस्ट कर लिया है, और मैं इसे यहां से स्टार्ट करता हूं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े बाल को स्टेप ले रहा हूं और कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ये क्लिंप होगा, यहां देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों ये क्लिंप होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दोस्तों मशीन जो है वर्क कर रही है, इसने यहाँ पे क्रिम कर दिया है। अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट बालों में यूज करे बिना कर रहा हूं तब भी ये कर रही है, अदरवाइज मैं इससे पहले कोई भी क्रीम वगैरह यूज करूंगा इस बालों पर, बाल थोड़े से और स्मूथ हो जाएंगे, उसके बाद ये मशीन कितने अच्छे से वर्क करती है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपने इस मशीन की क्वालिटी देख ली कि किस तरह से मशीन क्रिम कर रही है, आप उधर के बाल देख सकते हैं और इधर के देख सकते हैं, साफ साफ आप वीडियो में देख सकते हैं मशीन किस तरह से क्रिम कर रही है। सो दोस्तों ये थी इस मशीन की क्वालिटी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस मशीन का जो परचेसिंग लिंक है मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, अगर मुझे मिल जाएगा तो। आप में से कौन कौन ये मशीन परचेस करने वाला है मुझे जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल अगर इस मशीन के बारे में उठ रहा हो तो मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। काफी सारे मॉडल आते हैं क्रिम्पिंग में, लेकिन अगर आप 500 से ऊपर वाली मशीन परचेस करते हो तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी मिलती है आपको। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर मैंने एक मशीन परचेस करी थी वो मेरी खराब हो गई, तो बहुत सारे रीजन होते हैं खराब होने के, कि कोई अच्छे तरीके से नहीं यूज कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, या किसी की गिर जाती मशीन, या उसकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है उसको अगर पावर गलत मिल गई तो, या बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है जिनमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है हीट करने पे वो गलने लगता है अंदर से, तो मशीन खराब होने काफी चांसेस रहते हैं। जैसे कि भी अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये जो मशीन है ये सेरेमिक एंड ग्राइट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इस वजह से इसकी प्लास्टिक और क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी की मशीन परचेज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं उसके डैमेज या खराब होने के। सो दोस्तों ये थी मेरी बात और मेरी इस मशीन की क्वालिटी, आपको अगर अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा जरूर। और यहां पे देखिए क्वालिटी चेक का कंपनी खुद लोगो लगा के देती है कि क्वालिटी चेक, मतलब आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रही है, कंपनी खुद इसकी गारंटी ले रही है। सो मैं जा रहा हूं आज का वीडियो यहीं पे एंड करके, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो उसे डिसलाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मेरा पिछला वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी एंगेजमेंट और मेरी मैरिज की वीडियोस आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जैसे आपको पता थी 15 नवंबर को मेरी मैरिज थी, आप हाथ मेरे देख सकते हैं मेहंदी लगी हुई है, तो प्लीज जाके आप इंस्टाग्राम चेकआउट करिएगा। और मैंने यूट्यूब पर वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि काफी कॉपीराइट के क्लेम वगैरह आते रहते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली। और इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड करी है, फोटोज भी अपलोड करी है, बाकी आगे करता रहूंगा, आप लोग जाके उसे एंजॉय करिए साथ में। टिल देन चलता हूं, फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।